नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सुन रहे हैं कॉर्टेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान। दोस्तों, कॉर्टेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इसमें उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। आइए सुनते आज की कहानी। दोस्तों, हमारा देश वक्त के साथ तरक्की कर रहा है, हर दिन कामयाबी की मिसाल पेश कर रहा है, इतिहास में हर दिन एक नई इबारत गढ़ रहा है। यूं तो कहने को हमारा देश मंगल ग्रह तक पहुंच गया, लेकिन हम सब ने कहीं ना कहीं ये महसूस किया है कि विकास की इस भाग दौड़ में देश के ग्रामीण इलाके कुछ पिछड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है देश का एक तबका तो काफी तरक्की कर रहा है, लेकिन एक तबका यानी ग्रामीण तबका पिछड़ता ही जा रहा है। भारत के ग्रामीण इलाके विकास की दौड़ में कहीं पीछे ना छूट जाएं, इस बात का हमेशा मलाल हमें रहता है। लेकिन घबराइए नहीं, देश में कई ऐसे किसान हैं जो इस विकास की दौड़ में कभी पीछे नहीं रहना चाहते। वो गांव के लोगों की तरक्की देखना चाहते हैं, वो तरक्की देखना चाहते हैं मजदूरों की, तरक्की देखना चाहते हैं गांव के आम लोगों की और किसानों की। और इन्हीं किसानों में शामिल है एक महिला किसान शारदा देवी, जिसने एक सपना देखा कि साधारण किसान भी खेती के जरिए असाधारण लाभ प्राप्त कर सके। नमस्ते सब दीदी भैया को राम राम। मेरा नाम श्रीमती शारदा सिंह रौरे है, मेरे पति श्रीमान रमन शंकर सिंह रौरे है। मैं ग्राम मैली, तहसील नारायणगंज, थाना टिकरिया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश की मूल निवासी हूँ। शारदा देवी मध्य प्रदेश के मंडला जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती हैं और एक साधारण महिला किसान है। उसके गांव में भी सभी लोग उसी की तरह साधारण हैं, जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते हैं और अपनी फसल को बाजार में बेचकर बहुत ही कम लाभ कमाते हैं। क्योंकि एक समस्या हर साल किसानों के सामने चुनौती बनकर पेश होती है, और वो समस्या होती है खेती में लागत का ज्यादा होना और लागत के मुकाबले उपज का कम होना। और यही समस्या शारदा देवी भी झेल रही थी, क्योंकि वो जिस पारंपरिक तरीके से खेती करती थी उसमें वे साधारण बीज बोती थी, और वो और उसके जैसे कई किसान बिना बीजों का उपचार किए आम तरीके से कृषि करते थे, और इसमें उनकी लागत भी अधिक लगती थी, साथ ही साथ समय और मजदूरी भी ज्यादा लगती थी। खेती के पेशे में शारदा और उसके जैसे दर्जनों किसानों के लाभ का हिस्सा सिकुड़ता ही चला जा रहा था, और आए दिन बढ़ती महंगाई की वजह से खेती में लागत का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था। साथ ही साथ रही सही कसर अनियमित बारिश और मौसमी बदलाव ने पूरी कर रखी थी। शारदा को अब ये लगने लगा था जैसे खेती करने का काम अब उसके बस का नहीं रहा, क्योंकि ये काम अब समय के साथ मुश्किल ही होता चला जा रहा था। अपने पुराने तरीके से खेती करने के बारे में बताते हुए शारदा देवी कहती हैं, मैं एक महिला किसान हूँ। जब हम समूह में नहीं जुड़े थे तब खेती भी साधारण तरीके से करते थे। पहले एक एकड़ में 10 से 12 कुड़े बीज की बोनी करते थे, जिसमें निंदाई में दो दो महीने लग जाते थे, जिसमें मेहनत और लागत भी अधिक लग जाती थी, और उत्पादन भी 7 से 8 कुंटल होता था। रोपा भी लगाते थे तब अधिक मेहनत लगती थी, खेती की मचाई करवाना पड़ता था, और पानी की और मजदूरों की भी बहुत ज्यादा समस्या हो जाती थी। शारदा के जैसे ही अधिक लागत और कम उपज वाली समस्या उस गांव के कई किसान झेल रहे थे, इसलिए गांव में लोगों के एक समूह का निर्माण किया गया। इस समूह में शारदा की तरह और भी कई किसान थे, वो आपस में साथ मिलकर कृषि कार्य को बेहतर तरीके से करने और उसकी उपज में लाभप्रदता की वृद्धि करने के लिए उपाय ढूंढते थे। लेकिन उस समय उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। उनके पास ना तो कृषि के बारे में विशेषज्ञता थी, ना ही उनके पास प्रशिक्षण का कोई माध्यम उपलब्ध था, और इन्हीं चीजों के अभाव में उनकी कृषि की लाभप्रदता वृद्धि करने की आशा कहीं ना कहीं दम तोड़ती नजर आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि निराशाओं के बादल चाहे कितने भी घने हों, उनमें आशा की एक सुनहरी लकीर छिपी होती है। और ऐसा ही कुछ हुआ शारदा के साथ। एक दिन शारदा और उसके समूह के किसानों को कॉर्टेवा एग्री साइंस के बारे में पता चला। उन्हें जानकारी मिली कि कॉर्टेवा एग्री साइंस प्रदान समूह के माध्यम से गांव की महिला किसानों को नई किस्म के उन्नत बीज उपलब्ध करा रही है, साथ ही साथ खेती की नई तकनीक के बारे में भी गांव के आम किसानों को प्रशिक्षित कर रही है। कॉर्टेवा एग्री साइंस के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करके शारदा ने खेती की नई तकनीक DSR विधि के बारे में सीखा,
उसे नए किस्म के बीजों और खाद की जानकारी मिली। समय के साथ साथ जानकारी और प्रशिक्षण मिलने के बाद शारदा को जब ये आत्मविश्वास मिल गया कि वो कॉर्टेवा एग्री साइंस से मिले प्रशिक्षण को खेती में शामिल करके पहले से बेहतर लाभ कमा सकती है, तब उसने नई तकनीक से खेती करना शुरू किया। उसने पहले खेत तैयार किया, फिर DSR विधि से बीज रोपाई की और आगे की प्रक्रिया को भी वैसे ही किया जैसे उसे कॉर्टेवा एग्री साइंस से प्रशिक्षण मिला था। आइए इस विषय पर खुद शारदा से ये जानते हैं कि उसने किस तरीके से खेती की और उसे क्या लाभ हुआ। मैं पहले एक साधारण जीवन व्यतीत करती थी। लगभग 12 वर्षों से मैंने प्रधान संस्था से जुड़ी हूँ और 12 दीदियों का एक समूह बनाया। प्रत्येक दीदी सप्ताह में 10-10 रुपए बचत जमा करती हैं और आज भी करते हैं। समूह के माध्यम से हम दीदियों ने मिलकर मुद्दा बनाया कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद प्रधान संस्था से भैया अनिरुद्ध शास्त्री एवं कोटेरवा के माध्यम से DSR मतलब लाइन से बोनी, जिसमें एक एकड़ में पायोनियर धान का बीज 6-7 किलो खेत में लगाया। इसके बाद 48 घंटे के अंदर ओलविग्रो दवा का छिड़काव किया। इस दवा का छिड़काव करने से खरपतवार नहीं निकल पाता। फिर 25-30 दिनों के बीच बिवाया दवा का छिड़काव किया। इस दवा के छिड़काव से निंदाई की जरूरत नहीं पड़ी और समय समय में खाद का प्रयोग करते रहे एवं खाद का प्रयोग करने से और दवा का प्रयोग करने से धान में कल्ले भी बहुत अच्छे निकले। और इस तरीके से खेती करने में कम लागत, कम पानी और कम मेहनत करके इस वर्ष 20-22 क्विंटल धान पैदा किए, जिससे मुझे बहुत मुनाफा हुआ और आमदनी भी हुई। फर्क साफ है। पहले जिस जमीन पर पुराने तरीके से खेती करने पर शारदा केवल 7-8 क्विंटल की ही उपज प्राप्त कर पाती थी, अब उसी जमीन में शारदा को कुल 20-22 क्विंटल की उपज होने लगी है। यानी नए तरीके से खेती करने के बाद शारदा की उपज लगभग तिगुनी हो गई है। और खास बात दोस्तों ये भी है कि पहले खेती करने के तरीके में जो लागत अधिक लगती थी वो इस बार काफी कम हो गई है। साथ ही साथ DSR विधि से खेती करने से मेहनत भी काफी कम होती है, यानी मजदूरी का खर्चा भी कम और मुनाफा ज्यादा। और जैसा कि उसे उम्मीद थी, फसल बहुत अच्छी हुई और साथ ही साथ उसे खेती करने में कम लोगों की आवश्यकता पड़ी। शारदा इस फर्क को खुद से देख सकती है और साथ ही साथ इस फर्क को देख सकते हैं गांव के आम किसान। शारदा ने साधारण तरीके की खेती का दामन छोड़कर कॉर्टेवा एग्री साइंस की आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने का जो निश्चय किया, उसने उसकी किस्मत को पूरी तरह बदल दिया। और खेती की नई तकनीक को अपनाकर ना सिर्फ उसकी आमदनी में वृद्धि हुई बल्कि उसकी आर्थिक दशा के बदलने से उसके सामाजिक और पारिवारिक परिवेश में काफी अंतर आया। आइए जानते हैं कि शारदा खुद इस विषय में क्या कहती हैं। मेरे पति भी जो पहले मुझे घर से निकलने में रोक करते थे, वो भी बहुत खुश हैं। मेरे बच्चे भी अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़ रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने, केवल खेती की पद्धति में परिवर्तन करने से शारदा सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सशक्त और आत्मनिर्भर हुई। और इसके अलावा उसे मिला है उसके परिवार में मान सम्मान। पहले जहां उसके घर की दहलीज को भी पार करने की उसे इजाजत नहीं थी, अब उसी घर में उसके निर्णय को माना जाता है। और तो और अपने बच्चों को भी पढ़ाने लिखाने में शारदा सक्षम है और साथ ही साथ उनकी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। दोस्तों ये थी शारदा की कहानी, जिसने कॉर्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रशिक्षण पाकर खेती की नई तकनीकों का रास्ता अपनाकर खुद की खेती से होने वाली उपज में बढ़ोतरी से लाभ कमाया, अपनी सामाजिक दशा को बदला, समाज और परिवार में इज्जत पाई, गांव के गरीब किसानों की उम्मीद को दी एक नई राह और साथ ही साथ उनके सपनों को दी एक नई उड़ान। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी कॉर्टेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान में, मेरे यानी अभिषेक के साथ। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कॉर्टेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इससे उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और इसने आपको एक सकारात्मक ऊर्जा दी होगी।
अगले हफ्ते फिर लौटूंगा एक ऐसी कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए कॉर्टेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान मेरे यानी अभिषेक के साथ।